नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के 17 जिलों में 94 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। 53.51% वोटिंग की खबर है, लगभग पहले चरण के बराबर ही है। अब तक 165 सीटों पर मतदान हो चुका है। हर कोई यही जानना चाहेगा कि बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन खासतौर से RJD और तेजस्वी यादव उत्साहित हैं, मनोज झा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि 94 में से 65 सीटें जीतेंगे। उधर से नंदकिशोर यादव आए, उन्होंने बताया कि NDA आ रहा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सीटों को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई दावेदारी नहीं की, लेकिन क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि एक दो घटनाक्रम ऐसे हैं जिससे थोड़ा आइडिया लग रहा है। देखिए, चुनाव में होता क्या है कि जब आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें होती है तो आपकी तरफ से शिकायतें बढ़ जाती है, और जब आपके फेवर में चीज़ें जाती है तो छोटी मोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो। यह ह्यूमन नेचर है। JDU पे कहीं पे नीतीश कुमार की सभा में कहीं प्याज चल रहा है, कहीं पत्थर चल रहा है। नीतीश कुमार के राजनीति करने के अपने स्टाइल है। मधुबनी में थे, आज वहाँ पे पत्थरबाजी और प्याजबाजी हुई है। उन्होंने कहा कि फेंको जितना फेंक सकते हो। तो इसके बाद जो है JDU कोटे के मंत्री हैं बिहार सरकार में नीरज कुमार, वो चुनाव आयोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के पहुंचे पटना में, जो अधिकारी हैं उनके पास, और एक ज्ञापन दिया और कहा कि जो हसनपुर और राघोपुर से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी संपत्ति की जाँच कराई जाए। इन्होंने हलफनामे में प्रॉपर्टी की गलत जानकारी दी है। ये बात तब भी उठी थी जब इन्होंने नामांकन किया था, लेकिन तब बात आई गई हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज मतदान हो जाने के बाद JDU ने ये सवाल आज क्यों, मतलब आज ज्ञापन क्यों दिया? क्या JDU को जो फीडबैक मिल रहा है उसमें JDU कमज़ोर हो रहा है, या कम उसके फेवर में उतना मतदान नहीं हो रहा है? और RJD इतना उत्साहित क्यों है? BJP न बढ़ चढ़ के दावा कर रही है और न BJP डिस्करेज हो रही है, मतलब ये भी नहीं है वो उदास हो रही हो। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक BJP अपनी जगह पर सही जा रही है। गड़बड़ हुआ है JDU के साथ, और सबसे ज़्यादा जो खबर आ रही है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो चिराग पासवान पहुंचा रहे हैं JDU को। तो होता क्या है कि चुनाव जीतने के लिए आपके पास वोट परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और चुनाव हरवाता है उसका वोट परसेंटेज 1-2% भी होता है तो जितना वो आपका वोट काट देता है उतने से हार जीत हो जाती है। तो कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, कितने सीटें जीतेंगे इस पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पिछली बार 2 सीटें जीते थे कि 2 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 6 जीतेंगे, 8 जीतेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, कोई भी नहीं दे रहा है। लेकिन ये जरूर कह रहा है कि वो JDU को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को हराने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जो चुनावी विश्लेषक है, जो बिहार की राजनीति को ठीक से समझ रहे हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने LJP और चिराग पासवान को अंडर एस्टिमेट किया, और सबसे ज़्यादा JDU को वही पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। और RJD जो इतना उत्साहित है उसके पीछे कारण यह है कि जो रोजगार की बात कही है, MLA और मंत्री की सैलरी काट करके और रोजगार देने की बात कही है, यदि पैसा नहीं होगा तो, लोन माफ़ी की बात की है, शिक्षा की बात की है, तो निश्चित रूप से ये बिहार के लोगों को उत्साहित कर रहा है। और जिस तरीके से राबड़ी देवी और लालू यादव को की तस्वीरों को अलग रखा है बैनर पोस्टर से, और जंगल राज की याद ताज़ा ना हो जाए इसका भी ध्यान रखा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये मोटे मोटे संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग में जाना, फिर नीतीश की सभाओं में ज़्यादातर पत्थरबाजी, प्याजबाजी, आलूबाजी होना, और सवाल पूछा जाना, हूटिंग होना, नीतीश का उसी अंदाज में जवाब देना, NDA का अपना कला, यानी कि BJP और JDU में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा मायने रख रहा है। क्योंकि अभी जो एक सांसद का वीडियो वायरल हुआ था, भागलपुर के जो सांसद हैं, उसमें भी क्या वो कह रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे को वोट देने के लिए वो कह रहे हैं, वो सब भी हुआ। हालांकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको पैचअप, मतलब किसी तरीके से लिपापोती करने की कोशिश की गई। तो ये 3-4 फैक्टर हैं, इनका चुनाव आयोग को जाना, आपस में ट्रस्ट ना होना, और जो है सभाओं में हूटिंग और पत्थरबाजी होना, और चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 165 सीटों पर लगभग मतदान हो चुका है। अब तीसरे फेज का चुनाव जो है 7 नवंबर को है, और 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आज देश में जो है 10 राज्यों के 54 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ है, सबके परिणाम 10 नवंबर को ही आने हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम जरूर आपसे साझा करेंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।
इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना।